हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि ऑनलाइन स्टाम्प कैसे निकालें। हर जगह अब ऑनलाइन स्टाम्प कर दिया, एफिडेविट बनवाइए, एग्रीमेंट करवाइए, एग्रीमेंट रेंट पर लीजिए, रूम रेंट पर लीजिए, हर जगह ज़रूरी होता है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि आप ऑनलाइन स्टाम्प आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। आप थंबनेल देख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं स्टाम्प। चलिए आज हम इसी के बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलते हैं बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। गूगल पे टाइप करना है स्टाम्प, या स्टाम्प और टाइप पिन करें डन। आपके पास आईडी लिखना है NGRS डॉक्यूमेंट, यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, क्लोज कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आईडी पासवर्ड इंटर कर देना है। अगर नहीं है आईडी पासवर्ड तो हम आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करने भी बता देंगे, उसके लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। मोबाइल में आपका जो नंबर दिए हैं उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल में OTP आएगा। OTP आने के बाद यहाँ पे OTP इंटर करें। तो थोड़ा समय लग रहा है OTP आने में। OTP इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। ओपन हो गया। सबसे पहले जाना है पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस पे क्लिक करें, परचेज ई स्टाम्प पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा आपको नया, ये ई स्टाम्प पेमेंट फॉर नन रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, ज़िला यहाँ पे आर्टिकल सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आप क्या चीज़ के लिए बनवा रहे हैं, एफिडेविट के लिए आप बनवा सकते हैं, एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, बॉन्ड के लिए बनवा सकते हैं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट पार्टी इंटर करें, विक्रेता या फिर सिंगल आदमी के नाम से खरीद सकते हैं, अगर सेकंड करते हैं या फिर नील लिख दें, नहीं है हम नील लिख देते हैं। पे कौन पे कर रहा है, पर्पस, क्या पर्पस के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, मैंने एग्रीमेंट कर दिया। यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दें, क्या अमाउंट का आप निकालना चाह रहे हैं। चलिए मैंने सिर्फ है ना दिखाने के लिए आपको कर दिया 1 रुपया। यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे नाउ क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद SBI पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, बहुत ही आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं इसको। एग्री पेमेंट प्रोसेस, थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। चलिए हम बारकोड UPI से कर लेते हैं पेमेंट। आपको जो सुविधा है आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बारकोड आ गया, हम इसको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, बहुत ही आसानी से पेमेंट हो जाएगा। आजकल हर कोई फ़ोन पे गूगल पे चला रहे हैं, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से। पेमेंट थोड़ा सा समय लग रहा है प्रोसेस हो जाने के बाद, उसके बाद यहाँ पे दे देगा ऑप्शन। चलिए मेरा पेमेंट ये सक्सेसफुल हो गया, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा सक्सेसफुल का। पेमेंट कंप्लीट हो गया, चलिए स्टाम्प यहाँ पे सक्सेस हो गया। यहाँ पे आप ई स्टाम्प पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ही डाउनलोड होगा, डाउनलोड हो गया, यहाँ से चालू कर दें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर कर दें ताकि वीडियो आगे तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।